अब हम लोग शुरू करते हैं कोशिका सेल। ये उसका पिक्चर है, देख लीजिए कोशिका का। कोशिका जीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई, खोजकर्ता इसके है रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। पुस्तक माइक्रोग्राफिया, कोशिका शब्द का उल्लेख मिलता है माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्लाइडेन तथा स्वान। अब हम लोग जानते हैं कोशिका के प्रकार को। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, बार बार हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये पिक्चर है, आप देखिए इसे, और ये यूकैरियोटिक कोशिका का पिक्चर है, ऐसा होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसके केंद्रक में केंद्रक केंद्रक कला केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ये नहीं होता उसके अंतर्गत। क्या क्या नहीं होता? केंद्रक केंद्रक कला केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग। इसमें अनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अनुवंशिक पदार्थ कहने का मतलब है कि एक पिता से पुत्र में जो ट्रांसफर होता है जी, वो गुण। राइबोसोम की उपस्थिति होती है, राइबोसोम जो होता है उसकी उपस्थिति होती है। इसके उदाहरण है जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। ओके, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं की। यह पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं यूकैरियोटिक। इसके अंतर्गत केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है, हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके अंतर्गत। और इसके उदाहरण है पेड़ पौधे एवं जंतु, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पेड़ पौधे एवं जंतु। तो यूकैरियोटिक कैटेगरी में पूछा जा सकता है, जंतु का नाम दे देगा, आप पूछेगा कि बताइए इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है कि यूकैरियोटिक, तो आपको बताना है यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जब जीवाणु एवं नील हरित शैवाल की बात होगी तो वहां पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो जाएंगे। तो कोशिका के भाग प्रमुख, जो कोशिका के भाग होते हैं वो दो होते हैं, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया। उसका पिक्चर है ये कोशिका भित्ति है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है, जिसको सूत्रकणिका भी बोलते हैं। कोशिका भित्ति में सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होते हैं, सिर्फ पादप कोशिका में मौजूद होते हैं। ये सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है ये राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट द्वारा। और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। वही बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसके खोज करता है अल्टमैन 1886 ईस्वी। नामकरण बेंडा द्वारा किया गया था। श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होती है। अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस, क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। और श्वसन संबंधी क्रियाएं ये बीपीएससी एएओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कोशिका को। कोशिका की परिभाषा है जीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई। रॉबर्ट हुक इनकी खोज करता है। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई थी। और कोशिका शब्द का उल्लेख माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में मिलती है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन तथा स्वान को माना गया है। खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है, लेकिन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो स्लाइडेन तथा स्वान है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं केंद्रक केंद्रक कला केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, राइबोसोम की उपस्थिति होती है, उदाहरण जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। वहीं बात यूकैरियोटिक की करें, यह पूर्ण विकसित केंद्रक केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग इसमें होता है। हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे एवं जंतु। ओके, कोशिका के प्रमुख भाग के बारे में चर्चा की गई है। कोशिका भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी बोलते हैं। कोशिका भित्ति का पिक्चर है ये, सिर्फ पादप कोशिका में ये विद्यमान होते हैं, सेलुलोज से निर्मित होते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण राइबोसोम, ये नामकरण रॉबर्ट द्वारा किया गया था। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो खोजकर्ता अल्टमैन है, 1886 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। नामकरण बेंडा द्वारा किया गया। श्वसन संबंधी क्रियाएं होती है, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस, क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है।
अंतः प्रद्रव्य जलिका ये पिक्चर है इसका। राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं, लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भाग हैं केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्जीकाय, लवक, ये पिक्चर है उसका, देख लीजिए ऐसा होता है। खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, 1831 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है केंद्रक। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत है इसका। वही बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम का ये पिक्चर है। अन्यनाम आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग। खोजकर्ता डी डुबे, 1958 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। गोल्जीकाय में निर्माण होता है इसका। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होता है ये। गोल्जी बॉडी या गोल्जीकाय, ये उसका पिक्चर है, देख लीजिए कैसा होता है ये। खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी, 1898 ईस्वी में। क्रियात्मक इकाई है सिस्टर्नी। अन्य नाम गोल्जी उपकरण कोशिका के, अणुओं का यातायात प्रबंधक। ये गोल्जी उपकरण कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक है, ये पूछा भी जाता है इसको, ट्रांसपोर्ट मैनेजर। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं लवक की। लवक केवल पादपों में उपस्थित होता है, हरित लवक। खोजकर्ता हैकेल है, 1865 ईस्वी में, और ये यहाँ पर इसका ऑप्शन है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, यहाँ पे है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। इसके अंग पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। लवक पादप में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तारक काय पादप में अनुपस्थित होते हैं, जंतु में उपस्थित होते हैं। रित्तिका की, रित्तिका बड़ी होती है पादप में और जंतु कोशिका में छोटी होती है, ठीक है। परीक्षा दृष्टि देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। जीनोटाइप है जीवों का आनुवंशिक संगठन, जीनोटाइप है जीवों का आनुवंशिक संगठन। ऐसे जीव जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, क्या कहलाता है शरीर से? प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन व लिपिड से, प्रोटीन व लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनती है। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग, कोशिका के प्रमुख भाग दो है, केंद्रक और लाइसोसोम। गोल्जीकाय, लवक, ये चार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, 1831 ईस्वी में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित है केंद्रक। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत है। वहीं लाइसोसोम, अन्य नाम आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग बोलते हैं। खोजकर्ता डी डुबे, 1958। गोल्जीकाय में निर्माण होता है इसका। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। बात करें गोल्जी बॉडी या गोल्जीकाय की, तो इसके खोजकर्ता है कैमिलो गोल्जी, 1898 ईस्वी। क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी। अन्य नाम गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। वहीं लवक केवल पादपों में उपस्थित होता है, हरित लवक। खोजकर्ता हैकेल, 1865 ईस्वी में। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में, लवक में उपस्थित होती है, तारक काय अनुपस्थित होती है, रितिका बड़ी होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, लवक अनुपस्थित होती है, तारक काय उपस्थित होती है, रितिका छोटी होती है। ये जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। वही परीक्षा दृष्टि की बात करें, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। जीनोटाइप है जीवों का आनुवंशिक संगठन। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, वो है सरीसृप, जिसका उदाहरण है छिपकली। प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन व लिपिड से, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? प्रोटीन व लिपिड से। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की, लवकों के प्रकार की और पौधों से प्राप्त उत्पाद की। देखिए लवक जो होते हैं अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, उसका पिक्चर ये है, देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्वान रंगहीन लवक संग्राहक उत्तक अवस्थिति। इसकी अवस्थिति कहाँ है? देखिए ये बोला है अवर्णी लवक जो है वो सूर्य के प्रकाश से वंचित पादपों पादप भागों में विद्यमान होता है। ये जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है जिस पादप पे, वहां पे अवर्णी लवक पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये रंगहीन लवक होते हैं जिसमें कोई रंग नहीं होता है और उत्तक के संग्राहक होते हैं। और इसकी अवस्थिति जो होती है जड़ एवं भूमिगत तना, जड़ और जमीन के अंदर जो तना होता है वहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती है और ये ल्यूकोप्लास्ट
यहाँ पे पाए जाते हैं। और जानते हैं कि जमीन के अंदर रंगहीन लवक होते हैं। और दूसरा होता है वर्मी लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ये उसका पिक है, देख लीजिए, ये रंगीन लवक है, वर्मी लवक। और इसकी अवस्थिति होती है पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में। इसके उदाहरण है टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग बीटानीन, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन, पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा, हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन। ये वर्णी लवक के काम है। वर्णी लवक रंगीन लवक है, अवस्थिति इसकी तो बता ही चुके हैं, फल है, फूल है, बीज है। और इसका उदाहरण भी दिया गया है किसके कारण, किस लवक के कारण, किस वर्णी लवक के कारण इसका इफेक्ट होता है। जैसे टमाटर का रंग लाल है वो लाइकोपीन के कारण, गाजर का जो रंग है कैरोटीन के कारण है, चुकंदर का जो रंग है वो बीटानिन के कारण है, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। वर्णी लवक पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन के द्वारा। तो पादपों की पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करता है वो हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन करता है, फाइकोसाइनिन। अब बात करते हैं हरित लवक की, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये भी आप इस फिगर को देख चुके हैं इससे प्रीवियस स्लाइड में। ये हरा रंग होता है, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। जहां हरा रंग होगा वहां क्लोरोफिल होगा। और इसकी अवस्थिति पत्तियों में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। पादप का अंग है प्रकंद, जिसे हमारे आम बोलचाल की भाषा में अदरक बोला जाता है। आलू का जो हम लोग भाग खाते हैं वो है स्तंभ कंद रूपांतरित तना, स्तंभ कंद या रूपांतरित तना, या रूपांतरित तना। लहसुन का जो भाग हम लोग खाते हैं वो है सल्क कंद, सूरन या जिमी कंद इसको बोला जाता है। मैंने नहीं देखा है, ओल जैसा लग रहा है। सूरन या जिमी कंद, इसको घन कंद बोलते हैं, पादप अंग है ये। गन्ना जो हम लोग खाते हैं ये रूपांतरित तना का भाग है, रूपांतरित तना खाते हैं हम लोग। शलजम जो होता है वो रूपांतरित जड़ है, हम लोग शलजम जो खाते हैं वो जड़ खाते हैं, रूपांतरित जड़ को। गाजर रूपांतरित जड़ का ही है हिस्सा जो हम खाते हैं। शकरकंद रूपांतरित जड़ ही है, ठीक है, शकरकंद भी रूपांतरित जड़ है। वही बात करें लौंग की, देख लीजिए लौंग, लौंग है पुष्प कलिका। वही केसर, ये केसर का फोटो है, पुष्पवर्तिका खाते हैं इसका। हल्दी का प्रकंद खाते हैं, हल्दी भी प्रकंद है। तो प्रकंद दो है, एक हल्दी है और एक है अदरक। वहीं पे बात अगर हम लोग करें रूपांतरित जड़ की, तो वो शलजम है, गाजर है, शकरकंद है, तीन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। रूपांतरित जड़ शलजम हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा, रूपांतरित तना गन्ना हो जाएगा, और एक और है आलू, गन्ना और आलू, बाकी सब एक एक है। लहसुन शलकंद है, सूरन जिमीकंद घनकंद है, और लौंग पुष्पकलिका है, केसर पुष्पवर्तिका है, और हल्दी प्रकंद है। तो पढ़ी चुके हैं। परीक्षा दृष्टि को देखते हैं। नाभिक या केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण है फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। अब तो वायरस में भी देखा जाता है म्यूटेशन के कारण, म्यूटेट करते रहता है ना वायरस, कोरोना इसका एग्जाम्पल है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल कहाँ होता है, एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस में। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसको। लवको प्लास्टिड्स के प्रकार के बारे में हम लोग जाने थे, वो दो थे, अवर्णी लवक और दूसरा था वर्णी लवक। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में ये विद्यमान होता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचती पादप के जिस भाग में। ये रंगहीन लवक है ये, और ये संग्राहक उत्तक के संग्राहक है। अवस्थिति जो होता है ये जड़ एवं भूमिगत तनों में होती है। वर्णी लवक की बात करें तो ये है, ये रंगीन होते हैं, वहीं पर वर्णी लवक जो होता है वो रंगहीन होता है। बट वर्णी लवक रंगीन होते हैं, इसकी अवस्थिति फूल है, फल है, बीज है। उदाहरण के लिए टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन से होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसका रंग हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है, प्रकाश संश्लेषण में काफी सहायक होती है, और ये पत्तियों में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पौधों से प्राप्त उत्पाद, उत्पाद और पादप अंग, प्रकंद अदरक है,
अदरक का जो भाग खाते हैं उसे प्रकंद बोलते हैं, आलू का जो भाग खाते हैं हम लोग उसको स्तंभकंद या रूपांतरित तना बोलते हैं, लहसुन का जो भाग खाते हैं वो शल्ककंद है, सूरन जिमीकंद जो है वो घनकंद है, गन्ना का हम लोग रूपांतरित तना खाते हैं, शलजम का भाग रूपांतरित जड़, गाजर का भी रूपांतरित जड़, शकरकंद का भी रूपांतरित जड़ खाते हैं, लौंग का पुष्पफलिका खाते हैं, केसर का पुष्पवर्तिका खाते हैं, हल्दी का प्रकंद खाते हैं। हिस्सा परीक्षा दृष्टि से नाभिक और केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण हैं फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन म्यूटेशन। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस आनुवंशिकता। अब हम लोग आनुवंशिकता की बात करते हैं। इसी परिभाषा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षण सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी में प्रसारित होते हैं। आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के थे उन्हें कहा जाता है, और इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी में प्रसारित होते हैं, यानी कि पिता से पुत्र में जो ट्रांसफर होता है वही आनुवंशिकता है, और यह सजीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। बात करते हैं प्रभाविता का नियम की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ये मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है, इन्होंने मेंडल ने दिया था। वो कौन सा नियम था? तीन ठो, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये जीन है, देख लीजिए जीन का पिक है यहाँ पे। आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जो है आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ पे देखिए म्यूटेशन नामकरण जो किया है इनका विलहेम जोहानसेन ने 1909 में म्यूटेशन का। तो परिवर्तन अनुक्रम आधार में परिवर्तन है, फिर जीनोम में जाता है, फिर जीनोम का अनुक्रमण होता है, और ये आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीनोम चित्रण किया गया है, जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन है। आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जिसे जीन कहा जाता है, ये जीन है, बहुत वाला जीन नहीं, जीन पाया जाता है जो ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। यहाँ पे दिखाया गया है ट्रांसक्रिप्शन, यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए का पिक्चर है, ये डीएनए है, और यहाँ पे ये आरएनए का है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डायऑक्सीन्यूक्लिक एसिड है, इसमें दो होता है ना, देख रहे हैं दो बना हुआ है, इसमें एक ही होता है। ये पिक्चर देख लीजिए आप, यहाँ पे बताया गया है ये क्रोमोसोम का पिक्चर है, क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, गुणसूत्र। इसका नामकरण वाल्डियर ने 1888 ईस्वी में किया था, वाल्डियर ने, जीन धारक है ये। इसके देखिए क्या क्या गुण है, आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का ये माध्यम है क्रोमोसोम, आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित किया जाता है क्रोमोसोम के द्वारा। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है, और न्यूक्लियर प्रोटीन से बनी होती है ये, ये जीन धारक होते हैं, ये जो देख रहे हैं तो जीन धारक बोला जाता है। कार्ल विलहेलम वोन नागेली है, नागेली याद कर लीजिए, विलहेलम नागेली 1842 ईस्वी में किया था, कार्ल विलहेलम वोन नागेली क्रोमोसोम के खोज करता है। अब जंपिंग जीन जिसको क्लबमान जीन बोलते हैं, जंपिंग जीन, इसके खोज करता है बारबरा मैंकिनटॉक, यूएसए के हैं ये, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1983 में जंपिंग जीन के खोज के लिए। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, घटनाचक्र में आप देख सकते हैं इसको पूर्वावलोकन में। कोशिकाओं में डीएनए के खंड है ट्रांसपोजोन,
इसमें ट्रांसपोजोन होते हैं जो कोशिकाओं में डीएनए के खंड हैं, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम मक्का में किया गया था, मकई होता है ना उसमें। ऐसे अनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ है, ये ऐसा अनुवांशिक तत्व है, ऐसा गुणसूत्र है। देख लीजिए यहाँ पे इसका पिक्चर दिया गया है, आपने डीएनए आरएनए पढ़ ही लिया है। अब बात करते हैं हम लोग डीएनए की। डीएनए आरएनए को तो बता दिया था वहाँ पे फिगर के माध्यम से, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसका नाम है। इसके खोज करता है स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मीसर 1869 ईस्वी में। स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मीसर 1869 में इन्होंने खोज किया था डीएनए का। ये कुंडली आकार विन्यास की खोज जो है, ठीक है, डीएनए की खोज तो किया था फ्रेडरिक मीसर 1869 में, लेकिन इसके कुंडली नुमा आकार का जो है खोज किया था डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा डीएनए की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा जेम्स वाटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। एम एच एफ विलिकिन्स तथा फ्रैंकलिन, ये चार वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। ओके, ये फॉस्फेट की बनी होती है, इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इसमें। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण इसका किया था हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। बात अगर डीएनए की करें, डीएनए एवं आरएनए की, पहले नीचे हम आरएनए पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं उसकी। आरएनए जो होता है, आरएनए के मुख्य प्रकार होते हैं तीन तरह के, एक टीआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना इसका काम होता है। यहाँ पे फिगर दिया गया है, देख लीजिए ये जो फिगर है, ये पूरा ये राइबोसोम लार्ज सब यूनिट का है पिक्चर, और ये टीआरएनए का है पिक्चर, देख लीजिए ये आकार का है, इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। और ये देख रहे हैं ये एम आकार, इसको एमआरएनए बोलते हैं, ये मैसेंजर आरएनए है। और नीचे का जो सेल है इसको राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो है इसको सब यूनिट बोला जाता है, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट, और ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का। ओके, अब यहाँ पे आरआरएनए के बारे में बात करते हैं। इसको आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है राइबोसोमल, और राइबोसोमल आरएनए इसको कहा जाता है। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु ये उपयुक्त है, अमीनो अम्लों को चुनने के लिए ये संदेश देते हैं। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म है, डीएनए का है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है राइबोन्यूक्लिक एसिड। महत्वपूर्ण तत्व, डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता उसे बोलते हैं टायरोसिन। डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन एक ऐसा यौगिक है जिनमें अमीनो अम्ल अमीनो एसिड नहीं बनता है। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोस, कौन सा शर्करा है डीऑक्सीराइबोस। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए, राइबोसोम्स क्या होता है आरएनए, डीएनए मत बोल दीजिएगा कंफ्यूज हो जाएगा। आर यहां पर है आरएनए, आरएनए तो आर यहां से रॉ शुरू है राइबोसोम्स। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23। मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर। अब हम लोग बात करते हैं डीएनए एवं आरएनए में इसका अंतर, जो मुख्य अंतर है डीएनए और आरएनए में उसकी चर्चा करते हैं। इधर डीएनए है, इधर आरएनए, एकदम कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। देखिए डीएनए डीऑक्सीराइबोसर्करा, आरएनए राइबोसर्करा होता है। इसका बेस जो होता है डीएनए का वो एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, याद रखिएगा ए जी टी एस, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। इसका बेस होता है थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, यहाँ पे यूरेसिल होता है। इसकी अवस्थिति मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में, और मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में। और आरएनए जो होता है इसकी अवस्थिति होती है केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में। अब बात हो रही है जैव उर्वरक की, जैव उर्वरक। देखिए यहाँ पे दलहनी पौधा लगा दिया गया है, यहाँ पे उसका जड़ है, फोटो देख लीजिए,
और इस पेड़ के बारे में बताया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु पाया जाता है वो पौधा के जड़ में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे जड़ में। हो सकता है चना, मटर या मटर का पेड़ देखा, ये सेम है। ये अरहर का पेड़ का यहाँ पे दिया हुआ, तो ये दलहनी फसल का दिया गया यहाँ पे, मटर, चना, मटर, सेम, अरहर इत्यादि। राइजोबियम जैपोनिकम फसल सोयाबीन। तीन पत्तिया घास राइजोबियम ट्राइफोली जीवाणु पाए जाते हैं इसमें। लूसर्न, इसमें राइजोबियम मोलिलुथी जीवाणु पाए जाते हैं। जलीय फल, इसमें एनाबिना एजुली जीवाणु पाए जाते हैं। गुनेरा माइक्रोफाइला नोस्टोक मस्कोरम जीवाणु पाए जाते हैं इसके अंदर। सोयाबीन के फसल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जेपोनिकम। तीन पत्तिया घास में कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम ट्राइफोली। लुसर्न में कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम मेलिलोती। जलीय फर्न में कौन सा पाया जाता है, एनाबिना एजोली। गुनेरा माइक्रोफाइला में कौन सा पाया जाता है, नोस्टोक मस्कोरम, नोस्टोक मस्कोरम। हर पेज को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अब सोच लीजिए कि आपके लिए अगर 2 बार वीडियो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली 4 रिवीजन हो जाएगा। एक वीडियो में डबल रिवीजन है, मैं जानबूझ के डबल रिवीजन किया हूँ। मुझे पता है कि अगर एक बार बताता तो आदमी एक ही बार वीडियो देखकर छोड़ देता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही बार देखिए, कम से कम नहीं 100% तो 40-60% के बीच एवरेज में लेकर जाइए नॉलेज, एग्जाम में रिकॉल कर पाइए किसी चीज़ को। चलिए, डीएनए। डीएनए खोजकर्ता स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर, 1869 में। कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी इसके जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एम एच एफ विलेकिंस तथा फ्रैंकलिन 1953 में। डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसमें फॉस्फेट पाई जाती है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरविंद खुराना के द्वारा किया गया। और ये नाइट्रोजनी बेस होता है जिसमें एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। आरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी बोला जाता है। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए को बोला जाता है, वही मैसेंजर आरएनए एमआरएनए को बोला जाता है, और आरआरएनए राइबोसोम आरएनए को बोला जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। और ये जो देख रहे हैं ग्राफ आप पिक्चर, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है, ये टीआरएनए है, ये एमआरएनए है, और ये जो नीचे वाला है राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट है। आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, राइबोसोमल आरआरएनए बोला जाता है इसको। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश देता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अच्छा, हमने यहाँ पे टीआरएनए में नहीं बताया, प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाने का काम करता है टीआरएनए, ठीक है। अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य, डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता वो है टायरोसिन। टायरोसिन डीएनए में उपलब्ध यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोस। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या कह सकते हैं 23 जोड़े होती है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। यहाँ पे डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर दिया गया है, वो क्या है, डीएनए और आरएनए। डीएनए को डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है डीएनए में, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इसका बेस एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन है। इसका बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, और इसकी अवस्थिति मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में है डीएनए में। आरएनए में केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में अवस्थित होती है ये। अब जैव उर्वरक की बात करें तो ये दलहनी पौधा लिया गया है, इसका जड़ जो होता है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, और यहाँ जो मुख्य दलहनी फसलें होती है वो चना है, मटर है, सेम है, अरहर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक जीवाणु है राइबोसोम जैपोनिकम, राइबोजियम ट्राइफोली, राइबोजियम मेलिलोती, एनाबिना एजोली, नोस्टोक मस्कोरम। अच्छा, राइजोबियम जैपोनिकम किस फसल में पाए जाते हैं, जो सोयाबीन में, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तीन पत्तिया घास में जो जीवाणु पाए जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो सहायक होते हैं वो है राइजोबियम ट्राइफोली। लुसर्न में है राइजोबियम मेलिलोली।
मेलिलोती जीवाणु और जलीय फर्न में है एनाबिना एजोली, गुनेरा मैक्रोफाइला में है नोस्टोक मस्कोरम जीवाणु, सूक्ष्म जीव व जीवाणुओं से युक्त खाद जैव उर्वरक पर्यावरण हितैषी है, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की उपलब्धता होती है इसमें, खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैव उर्वरक इसको हम बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं, खाद वगैरह जो होते हैं जैविक खाद बोलते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव और जीवाणु मौजूद होते हैं, उससे युक्त ये खाद होता है ना, और ये खाद बनाने के लिए कहा भी गया है कि किसानों का हितैषी जो होता है केचुआ, उससे भी बनाए जाते हैं, पर्यावरण का हितैषी है ये। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस इसमें पाए जाते हैं, खेतों के लिए लाभकारी होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं जो खेतों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। लोग जानते हैं जैविक उर्वरकों के प्रकार, चार प्रकार हैं, कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलाने वाला, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला, चार प्रकार होते हैं ये। और कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर के लिए में जो पाए जाते हैं जैव उर्वरक के प्रकार, हमने बताया कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलाने वाला और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला। और इसमें जो पाए जाते हैं कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर में लिग्नोलिटिक कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर है ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो होते हैं वो होते हैं राइबोजियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, एजोला। फिर से बोल दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, इसे पूछा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, एजोला। फॉस्फोरस घुलाने वाले जो होते हैं वो होते हैं बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले जो होते हैं राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास दोनों में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस घुलाने में भी ये सहायक होते हैं और पौधों की वृद्धि करने में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नील हरित शैवाल प्लस एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। नील हरित शैवाल, ये देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, एजोला का सहचारी होता है, और ये जो नील हरित शैवाल है इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, और ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है। बार बार पढ़ रहे हैं आपको एकदम याद हो गया होगा। अब प्लस हम पढ़ते हैं एजोला के बारे में। ये देखिए जल में पाए जाते हैं, ये पिक्चर है इसका, आप सब नहीं आया है। ये जलीय फर्न होते हैं, दुधारू पशुओं को खिलाने में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ये एजोला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इससे बढ़ता है, इसमें पाया जाता है एजोला। उपज की क्षमता बढ़ती है। खूबी देखिए इसका, पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोली पाए जाते हैं, और यही मेन कारण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। और साइनोबैक्टीरिया जो उसके पत्ती के पृष्ठीय सतह पर पाए जाते हैं, जिसका नाम एनाबिना एजोली है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। काफी हमने जैव उर्वरक के बारे में पढ़ा। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है, पर्यावरण हितैषी है ये। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है इससे, खेतों में लाभकारी होती है ये इनकी सूक्ष्म जीवें। जैव उर्वरकों के प्रकार हैं, ये चार प्रकार के होते हैं, कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलाने वाला और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला। कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर में सेलुलोटिक लिग्नोलिटिक पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जिम्मेदार है वो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला। फास्फोरस घुलाने में जो सहायक होते हैं वो है बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले होते हैं राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास। नील हरित शैवाल जो होते हैं उसमें ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, इनका अन्य नाम साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है, और ये एजोला का सहचारी है। यहाँ पे एजोला के दिखाया गया है, ये देखिए, और एजोला से क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है। जलीय फर्न है ये, दुधारू पशु को अगर इसे खिलाया जाए तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है। पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि एनाबिना एजोली है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं जिससे उपज की क्षमता बढ़ती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कंकाल व मांसपेशी तंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं। कंकाल तंत्र, ये हड्डियों से बना ढांचा है,
कार्य शरीर को आकृति देना, साइज देना, शरीर को ये आकृति देता है, साइज देता है। मानव का कंकाल तंत्र, ये देख लीजिए कंकाल, अंतः कंकाल दो तरह के होते हैं, एक होता है अक्षीय और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती है और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती है और दोनों मिलाकर कुल 206 हड्डियां होती है। तो जान लीजिए अब बीपीएससी क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 सबको पता है। अब पूछेगा मानव का कंकाल तंत्र जो होता है वह अंतः कंकाल में दो भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती है। ऑप्शन ए 126 हड्डियां और 80 हड्डियां, ऑप्शन बी 100 हड्डियां और 126 हड्डियां, ऑप्शन सी 120 हड्डियां और 86 हड्डियां, फिर हो जाएगा मुंह अपने जैसा। हमेशा याद रखना है अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती है और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती है, दोनों को जोड़ देंगे तब पूरेगा 206 हड्डियां। बाह्य कंकाल, दो तरह का कंकाल है, देखिए यहाँ पे अंतः कंकाल का हम डेफिनेशन बता रहे थे और यहाँ पे बाह्य कंकाल है। बाह्य कंकाल का मतलब बाल, ये भी हिस्सा है, नाखून, रोम, रोमा होता है, ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य से निर्मित होता है नाखून, और इस नाखून में पाया जाता है अल्फा केराटिन से निर्मित ये होता है नाखून, और इसमें पाया जाता है अल्फा केराटिन। इसमें रक्त संचार नहीं होता है, रक्त संचरण का अभाव होता है, काटने पर दर्द नहीं होता है, दर्द होता है जी, नहीं होता है, और नाखून को बाह्य कंकाल कहते हैं। मुझे याद हो गया। अब पर्तुलीय कंकाल तंत्र, अब पढ़ते हैं मांसपेशीय तंत्र। मांसपेशीय तंत्र जो निर्मित होता है मांसपेशियों से निर्मित होता है, और इसका कार्य क्या है, शरीर को सहारा देना, दृढ़ता और गति देना, मजबूती देना, स्पीड देना, सहारा देना। जो कंकाल है उसको जकड़े रखता है मांसपेशी पकड़ के, तब ना खड़ा रहता है। आइए अब पढ़ लेते हैं हम लोग, हड्डी जब पढ़ ही रहे थे तो पूरा बढ़िया से पढ़ लेते। किस अंग में कितना हड्डी पाया जाता है भैया, ये देखो हड्डी का पिक्चर, भूलिएगा जी इतना सुंदर है। खोपड़ी जिसको बोलते हैं स्कल, कितनी हड्डी पाई जाती है, 29। कपाल, कपाल में 8 हड्डी है। चेहरा में कितना हड्डी है जी, पूछ देगा तो मुंह बा दीजिएगा, 14 हड्डी। कान में 6 हड्डी है, कान का पर्दा उड़ा देंगे। रीढ़ की हड्डी जो वयस्क होते हैं मनुष्य उसमें 26, और जो बच्चे होते हैं उसमें 33, 7 ज्यादा होता है बच्चा में। पसलियां, रिब्स, पसलियां जो होती है जिसे रिब्स बोलते हैं, ये 24 होती है, और 12 जोड़ी बोलते हैं, 12 गुने 2 जोड़ी है ना, 24। फ्लोटिंग रिल्स या तैरती पसलियां, भैया जानते थे शरीर में ऐसी भी हड्डी होती है जो तैरती रहती है, उसको फ्लोटिंग रिल्स बोलते हैं। अब वो होती है 2 जोड़ी, 2 गुने 2 4 गो होती है, याद रहेगा। और कहाँ पर होती है, 11वीं और 12वीं पसली में, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, देख लीजिए। पहले तो ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 तत्व हैं जो काफी महत्वपूर्ण है मनुष्य के शरीर में, 6 तत्व। और सबसे महंगा वाला जो तत्व है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है शरीर में, वो हमारा ऑक्सीजन भैया का है, 65% अकेले भाई, अकेले है 65%। हाइड्रोजन शरीर में 9.5 है और उससे अधिक है कार्बन। अगर इसको नंबरिंग किया जाए तो एक नंबर पे हम रखेंगे ऑक्सीजन को 65%, शरीर में कार्बन 18.5%, उसके बाद सी ओसी ऑफिस क्लर्क, अरे ऑफिस क्लर्क नहीं, ओसी ऑक्सीजन, सी से कार्बन, उसके बाद है एच हाइड्रोजन 9.5%, तीसरा रैंक पर रख दिए इसको, ये दूसरा हो गया। उसके बाद हमको दिख रहा है नाइट्रोजन N 3.20 चौथा, और पांचवा में हमारे कैल्शियम भैया है 1.5%, और फास्फोरस लास्ट में, पीएच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ भी लिख दो याद करने के लिए, एफ ही कर देते इसको, अरे ओ सी एच एन सी एफ। ऑक्सीजन 65% मनुष्य के शरीर में पाया जाता है सबसे अधिक, उसके बाद कार्बन पाया जाता है 18.5%, ठीक इसका आधा से थोड़ा अधिक, 0.25 अधिक है आधा से, हाइड्रोजन 9.5, उसका आधा कर दीजिएगा 18.5 का, तो 9.25 आता है, मैंने 2 पॉइंट बढ़ाया है इसमें, 0.25, देखिए
9.5% हो गया हाइड्रोजन। इसका एक तिहाई कर देंगे, अरे अप्रोक्सीमेट नाइट्रोजन, इसका आधा, इसका एक तिहाई, फिर इसका आधा कैल्सियम और फॉस्फेरस, आधे भाग, एक बार आधा करना है, एक बार एक तिहाई, फिर आधा कर देना। क्लियर हो गया, कुछ है? चलिए रिवीजन मारते हैं। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। कंकाल तंत्र हड्डियों से बना ढांचा होता है और इसका कार्य शरीर को आकृति देना है। मानव कंकाल तंत्र दो होते हैं, एक अंतर कंकाल और दूसरा होता है बाह्य कंकाल। उस समय मैंने बताया नहीं था, अब मैं बता देता हूँ। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक। अंतः कंकाल दो तरह के होते हैं, एक अक्षीय कंकाल, दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी पाई जाती है, उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी पाई जाती है। दोनों को मिलाने पर 206 हड्डी हो जाती है। बाह्य कंकाल में बोला जाता है बाल को, नाखून को, रोम को, ये बाह्य कंकाल है। नाखून के बारे में बताया गया है, नाखून बाह्य कंकाल है, मृत कोशिकाओं के द्रव से निर्मित है। इसमें अल्फा केराटिन से ये बना हुआ है और अल्फा केराटिन पाया जाता है। रक्त संचरण नहीं होता है, इसका अभाव है। काटने पर दर्द नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी मांसपेशीय तंत्र की, मांसपेशियों से निर्मित है ये मांसपेशी तंत्र। इसका कार्य है शरीर को सहारा देना, दृढ़ता व गति देना। अंग और हड्डियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। खोपड़ी में 29 होती है, 29 खोपड़ी तोड़ देंगे, कपाल 8 होता है, कपारे फोड़ देंगे 8 हड्डी, चेहरा भस्का देंगे 14 हड्डी होता है, कान फाड़ देंगे 6 होता है, रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26 होती है, बच्चे में 33 होती है, पसलियां 24 होती हैं 12 जोड़ी, और फ्लोटिंग रील्स तैरती हुई पसली 2 जोड़ी होती है, और 11वीं और 12वीं पसली होती है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, उसके बाद है हाइड्रोजन 9.5%, फिर है नाइट्रोजन 3.20%, कैल्शियम 1.5%, उसके बाद फॉस्फोरस 1%। याद ही हो गया पूरा पूरा। अब मानव दंत प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, इसको द्विदंती बोलते हैं, और 12 अस्थाई चवर्णक दंत होते हैं, सिर्फ एक बार विकसित होते हैं, और ये एक दंतीय कहलाते हैं, और इन दोनों को जी मिलाकर बोलते हैं 32 दांत होता है। मानव कहता है ना 32 ही तोड़ देंगे, यही 32 को 20 दांत जो 2 बार विकसित होता है, और 12 दांत जो एक ही बार विकसित होता है, एक दंतीय है। दंत वल्क इनामिल बोलते हैं, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके बने होते हैं, काफी कठोर होता है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक बोलते हैं इंसीजर्स, उसके बाद कैनिन्स, कैनाइन्स बोलते हैं रदनक, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, फिर होता है चवर्णक, मोलर। थोड़ा सा परीक्षा दृष्टि भी देख लिया जाए, कुल्हे के जोर का प्रतिस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ध्यान दीजिए। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है, हड्डी और दांत के निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरिन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनामिल, दंत वल्क बोलते इसको, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग जबरा, मेंडिबल, जबरा तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित हड्डी हाइओइड, ये देखा है, इसको कहते हैं जबरा तथा कंठ के बीच जो जीभ होता है उसके नीचे भी हड्डी होता है, उसको हाइओइड बोलते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक होता है एटलस कशेरुक, देखिए कितना डेप्थ में है ये, जबरा तथा कंठ के बीच जो जिह्वा है, जीभ है, उसके नीचे जो स्थित हड्डी है उसको हाइओइड बोलते हैं, और गर्दन का पहला कशेरुक होता है एटलस कशेरुक। एक एक को बताया जा रहा है यहाँ पे। कान, कान में कितना हड्डी होता है, 6, नहीं पता, देखो याद करा दिए ना, है ना 6, चेहरा में 14, कपाल में 8, कपाल जिसको बोलते हैं खोपड़ी में 29, रीढ़ की हड्डी 26, वयस्क में बच्चे में 33, पसलियां 24, 12 जोड़ी, फ्लोटिंग हिल्स 2 जोड़ी, पूरा पूरा रटाया है जी। अच्छा अब कान को खोल दिया गया है यहाँ पे, पूरा कान खोलकर सुनिए, यहाँ कान खोलकर दिखाया जा रहा है, देखिए कैसा होता है। स्टेपीज का हड्डी कहाँ पर होता है, यहाँ, भाई डॉक्टर बनना है आपको। स्टेपीज की हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है,
शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, और ये जो है उसको इंकस बोलते हैं, और ये हड्डी को बोलते हैं मैलियस, इंकस मैलियस। चलिए, दांत पढ़ लिया, पैर पढ़ लेते हैं। मनुष्य का पैर ये है, इसको चांक का हड्डी बोलते हैं, ठोस हड्डी होता है, और ये फीमर हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे भारी भी होती है, फीमर। देख रहे हैं पिक्चर के साथ। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख अस्थियां। आदमी का देख लीजिए, ये इसको क्लेविकल बोलते हैं, हंसुली बोलते हैं ना इसको, कॉलर बोन, जत्रुक या हंसुली बोलते हैं। ये हड्डी देख लीजिए, इसको स्केपुला बोलते हैं, स्कंद फलक बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड इसको बोलते हैं। ये जो हड्डी है टाई जैसा, इसको स्टर्न बोलते हैं, स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट बोन, उरोस्थी। ठीक है, अब हम हाथ की हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स, रिस्ट, कलाई की हड्डी है ये। अब पैटेला के बारे में पढ़ते हैं, ये जो नी के पास है हड्डी, इसको पैटेला बोलते हैं, नी कैप है ये, घुटना, घुटना की हड्डी को पैटेला बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक ये है लिगामेंट, हड्डी प्लस हड्डी जब एक जगह पे जुड़ती हैं तो उसको लिगामेंट बोला जाता है। और ये देख लीजिए यहाँ पे चित्र, इसको कंडरा बोलते हैं, टेंडर। ये किससे बना होता है? हड्डी प्लस मांसपेशी, हड्डी प्लस मांसपेशी जुड़कर क्या बनता है? कंडरा। हड्डी प्लस हड्डी लिगामेंट, घुटना की हड्डी को पैटेला, कलाई की हड्डी को कार्पल्स, ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम, स्कंद फलक को एस्केपला, शोल्डर ब्लेड को कॉलर बोन यानी कि हंसुली को क्लेरिकल हड्डी। आई थिंक कि ये क्लियर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा इसको देखते एक बार। मानव दंत प्रणाली पढ़ा, इसमें मैंने पढ़ा जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं जिसको द्विदंती बोलते हैं, जिसमें कि 12 अस्थायी चवर्णक दंत होते हैं जो सिर्फ एक बार विकसित होते हैं जिसे एक दंतीय बोलते हैं, और मानव शरीर का सबसे मजबूत जो होता है हिस्सा वो होता है दंतवल्क जिसे इनामिल बोलते हैं, और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है जिसे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों से मिलकर दंतवल्क बनता है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक जिसको इंसिजर्स बोलते हैं, रधनक केनाइंस बोलते हैं, अग्र चवर्णक प्रीमोलर बोलते हैं, और चवर्णक मोलर बोलते हैं। परीक्षा दृष्टि से हमने देखा था कूल्हे से जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरिन। मानव शरीर का सबसे छोटा कठोर भाग होता है दंतवल्क जिसको एनेमल बोलते हैं, इनेमल। जबरा मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित हड्डी होता है हाइओइड। गर्दन का पहला कशेरुक होता है एटलस कशेरुक। कान के बारे में हमने पढ़ा था 3 हड्डियों के बारे में, एस्टेपीज हड्डी ये है जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इंकस के बारे में पढ़ा था, मेलियस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बात की थी मनुष्य के पैर का, जांघ की हड्डी जो होती है फीमर हड्डी, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे भारी हड्डी होती है। प्रमुख अस्थियों के बारे में हमने बात की थी, कॉलर बोन जिसको जत्रुक या हंसली बोलते हैं, इसे क्लेविकल बोला जाता है, वहीं पे स्केपुला की बात की थी, स्कंद फलक बोलते हैं इसको, शोल्डर ब्लेड, उरोस्थी ये जो है टाई जैसा हड्डी, इसको स्टर्न बोलते हैं, स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन बोला जाता है इन इंग्लिश, उरोस्थी हिंदी में बोलते हैं, और कलाई की हड्डी को कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स, और घुटना नी कैप को बोलते हैं पैटेला, ये घुटना की हड्डी जो होती है उसको पैटेला बोलते हैं। संयोजी ऊतक जो होता है हड्डी प्लस हड्डी लिगामेंट बनता है, और कंडरा जो होता है हड्डी प्लस मांसपेशी होता है। अब हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना। पाचन, पाचन का काम क्या है? पाचन की क्रिया जो होती है वो विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो भोज पदार्थ है उसको सरल व छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलता है। अब पाचन तंत्र की बात करते हैं, देख लीजिए ये मनुष्य का पूरा हिस्सा। ओके, तो हम लोग एक एक हिस्से की चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि बात ही कर रहे हैं विस्तार से। पाचन तंत्र देखिए, पाचन तंत्र में आता है ग्रास नली, ये है ना। शुरू करते हैं मुख से, क्योंकि यहीं से शुरू हो जाता है पाचन। सबसे पहले मुंह से ही, मुख से ही पाचन की क्रियाएं शुरू होती है, वो होती है लार से, और इस लार में पाया जाता है टाइलिंग एंजाइम या लारीय एमाइलेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीभ की बात करते हैं, मुख और जीभ, ये जीभ हो गया।
तब आता है ये भोजन ग्रास नली में, और ये इस ग्रास नली का काम है भोजन को अमाशय तक ले जाना। अब आते हैं अमाशय में, ये अमाशय का पिक्चर है, इसको खोल कर दिखाया गया, देखिए भोजन यहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, अमाशय जो होता है वो क्या क्या मुक्त करता है, HCL मुक्त करता है, पेप्सिन एंजाइम मुक्त करता है, और प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है अमाशय में, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है पेप्सिन, कौन सा अम्ल रिलीज करता है HCL। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, अग्नाशयी रस अग्नाशय में जाता है, अग्नाशयी रस यहाँ श्रावण होता है, अग्नाशय रस रिलीज होता है भोजन को पचाने के लिए। और देख लीजिए ये जो पिक्चर है लीवर का, लीवर के नीचे एक छोटा सा होता है ये पित्ताशय, पित्त बोलते हैं इसको, नीले रंग का होता है ये, इसमें वसा का इमल्सीकरण होता है और ये पित्त का भंडारण होता है, पित्त का संग्रह होता है, जमा रहता है पित्त, इसको यकृत बोलते हैं लीवर। यहाँ से पित्त का उत्पादन होता है, पित्त जो बनता है लीवर से ही बनता है, इसमें ग्लाइकोजेनेसिस पाया जाता है, यूरिया का संश्लेषण होता है और एल्कोहल का निराविषण होता है। यानी यकृत में लगभग 500 कार्य है यकृत का, लीवर का। ठीक है, जिसमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ बताया गया है, ये पित्त का भी उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है, यूरिया का संश्लेषण भी कहता है, और एल्कोहल का निराविषण भी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ बनता है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, ये होता है यकृत। और यकृत जो ऐसा है कि खुद डैमेज होता है और खुद से रिपेयर भी कर लेता है डैमेज होने के बाद अपने आप को, और शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। फिर क्या होता है, भोजन जाता है बड़ी आंत में, और यहाँ बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और भोजन जो होता है ये छोटी आंत है, यहाँ पर ये हिस्सा देख रहे हैं, छोटी आंत का ये हिस्सा, इस हिस्से में पूरा भोजन पचता है, पचा हुआ भोजन जो होता है पोषक पदार्थ उसका अवशोषण होता है। यहाँ पर छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है, सारा क्रिया यही होता है, ये याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है, और ये होता है गुदा, जहां से मलमूत्र त्याग करते हैं मनुष्य। ठीक है, एक पोर्शन हमने छोड़ दिया अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स का हिस्सा है, ये वाला जो देख रहे हैं लंबा, ये अपेंडिक्स को अवशेषी अंग बोलते हैं, परिशेषिका होता है। देखिए इसका अब यूज धीरे धीरे खत्म हो गया है, इसका मेन काम है साग सब्जी वगैरह, जो साग वगैरह खाता है ना, पत्ता वगैरह, उसको पचाने में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था, काफ़ी महत्वपूर्ण था उस टाइम, लोग जब साग वगैरह खाते थे, पत्ते वगैरह खाते, लेकिन अब कहाँ, अब तो लोगों को मीट मछली पनीर खाने से फुर्सत ही नहीं, साग कौन खाता है, तो इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये विलुप्त हो रहा है मानव शरीर से, और इसीलिए इसको अवशेषी अंग भी कहा गया है। ठीक, चलिए एक बार क्या पढ़े देख लेते हैं, पाचन तंत्र पढ़ा हमने, पाचन पढ़ा, पाचन का क्रिया क्या है, विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल तो बहुत आसान, छोटा और घुलनशील अणुओं में बदलना इसका काम है। पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है, मुख में लार पाए जाते हैं जिसमें टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज पाए जाते हैं, मुख या जीव ये दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, फिर भोजन ग्रास नली के थ्रू जाता है, इसका काम क्या है, ग्रास नली का भोजन को अमाशय तक ले जाना। अमाशय में आते हैं, अमाशय क्या करती है, HCL मुक्त करती है, पेप्सिन एंजाइम मुक्त करती है, प्रोटीन का पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन में दे देगा, देखिए प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय में भी होता है, ये दोनों याद रखना, तो एक ही याद रहेगा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, ऑप्शन में छोटी आंत भी दिया रहेगा, मार दीजिएगा आप अमाशय होगा BPSC के अकॉर्डिंग आंसर ई, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, क्योंकि छोटी आंत भी ऑप्शन में, आप तो कहेगा हम सही करके आए हैं और BPSC आंसर क्यों दे दिया ई, बस हो गया आपका सब मुड़ गोबड़, याद रखना है ये। उसके बाद बात करते हैं पित्ताशय की, वसा का इमल्सीकरण होता है, यहाँ पे पित्त का भंडारण होता है, यकृत है, यकृत में क्या क्या होता है, पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस और यूरिया का संश्लेषण, एल्कोहल का निराविषण। भोजन जब अग्नाशय में आता है तो यहाँ पर अग्नाशयी रस निकलता है, फिर ये भोजन बड़ी आंत में जाती है जहाँ पे जल का अवशोषण होता है, फिर ये भोजन छोटी आंत में जाती है, और छोटी आंत में क्या क्या कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण। फिर अपेंडिक्स की बात हमने कही थी, ये अवशेषी अंग है जिसे परिशेषिका भी बोलते हैं। उसके बाद गुदा, जहाँ से मल का परित्याग होता है, पचे हुए भोजन बाहर निकल जाते हैं।